आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो चलचित्र में जिस सिद्धांत का उपयोग होता है हम उसे दृष्टि निबंध कहते हैं। तो ये दृष्टि निबंध होता क्या है ये समझे। तो नेत्र के रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यदि वस्तु जिसे देखा जा रहा है को हटा दिया जाए, आंखों के सामने से उसको हटा दें, तो भी उसका रेटिना पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसी प्रभाव को, इसी घटना को हम दृष्टि निबंध कहते हैं। और इसीलिए रेटिना पर बने किसी प्रतिबिंब के प्रभाव के मिटने के पहले ही कोई दूसरा प्रतिबिंब बन जाए तो वो दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे से इतने संबंधित होंगे कि आपको वो चलते हुए दिखाई देते हैं। अतः रेटिना पर बने किसी इसी के कारण चलचित्र अर्थात सिनेमा में तस्वीरें चलते हुए दिखाई देते हैं। अतः चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, जैसा कि प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो अब हमको उत्तर मिल गया है कि चलचित्र में दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।